तो दोस्तों, आप भी अगर एक कंटेंट क्रिएटर और अगर आप भी यहाँ पे एक ऐसी एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जिसमें यहाँ पे वॉइस चेंज कर सकते हो, एकदम मतलब काफ़ी सारे वॉइस इफेक्ट्स वाला एप्लीकेशन आप ढूंढ रहे हो जिसमें आप काफ़ी सारे वॉइस चेंज कर सकते हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, या फिर बच्चे का आवाज़ में हो, या फिर कोई भी आवाज़ में आप अगर वॉइस चेंज करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पर लाया हूँ। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये एप्लीकेशन का नाम मैं बताने वाला हूँ अभी, और ये एप्लीकेशन एकदम फ्री है, कोई भी यहाँ पे पैसे वाले एप्लीकेशन नहीं है, तो काफ़ी अच्छी है एप्लीकेशन वीडियो एडिटिंग वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, एप्लीकेशन का जो नाम है वो है इनशॉट। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर यहाँ पर मिल जाएगी एकदम फ्री में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं अभी इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसके अंदर सब कुछ कैसे करना है। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये एप्लीकेशन काफ़ी यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं इसको, और ये एप्लीकेशन काफ़ी पॉपुलर भी है। तो ये एप्लीकेशन के बारे में आप यही जान लो कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसको यूज़ भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी है इसमें एडिटिंग करना, कोई भी आपको यहाँ पर तकलीफ़ नहीं होगी, मैं दिखा। तो चलिए अब ओपन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन नजर आएंगे आपको, वीडियो पर सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर, ये वीडियो पर टैप करने के बाद न्यू पे टैप करना है यहाँ पर। और जैसे आप न्यू पे टैप करते थे, आपके जो सारे वीडियो से यहाँ पे आ जाएंगे, वीडियो या फिर फोटो सब कुछ यहाँ पे शो कर देंगे आपके। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक ब्लैंक पेज लूँगा, यानी कि मुझे कोई वीडियो यहाँ पे लाना नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे सिंपली एक ब्लैंक पेज है आपका, यहाँ पर वीडियो या फिर फोटो ऐड हो जाएगा, जो भी वीडियो आप ऐड करना चाहते हो। इसको सिंपली यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, आपका वीडियो सब कट वट कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनको स्क्रोल करना है लेफ्ट या राइट। उसके बाद आपको एक म्यूज़िक का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपको टैप करना है। इस पर आप जैसे ही टैप कर दोगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, म्यूज़िक, इफेक्ट्स एंड रिकॉर्ड। तो अगर आपका वॉइस जो रिकॉर्ड आपने पहले ही कर लिया था, आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना, माय म्यूज़िक में जाना है, और आपका जो भी वॉइस आपने रिकॉर्ड किया है यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दूसरा जो फीचर मिल रहा है वो है इफेक्ट, जिसमें आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स लगा सकते हो जो भी वॉइस है उसके ऊपर, जैसे आप शॉर्ट वीडियो में लगाते हो। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे मतलब ऑप्शन मिल जाता है हमें। उसके बाद मेन पे आते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है यहाँ पर टैप करके। देखो वॉइस रिकॉर्ड अभी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली इस पर यहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उस पर ऊपर टैप करना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर आपको टैप करना है, ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पे वॉइस इफेक्ट का यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारा वॉइस इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, मैं इनमें से एक एक प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो आपने वॉइस सुनी है एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया है, स्क्रीन रिकॉर्ड से नहीं किया, इसलिए आपको थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन असल में काफ़ी अच्छी वॉइस आती है इसमें आप रिकॉर्ड करते हो तो, और ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे बताता हूँ अभी करना क्या है लास्ट स्टेप इसमें। तो सिंपली यहाँ पे जैसे वॉइस चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन ऊपर नजर आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, और जो भी आपकी वीडियो है वहाँ पे आपके क्वालिटी चूज़ कर। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।